अब मैं आपको बताऊंगा कोलोन कैंसर के लिए क्या जांच करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कोलोनोस्कोपी, यानी कि दूरबीन से हम बड़ी आंत को अंदर से देखते हैं। इसमें हम कोलोनोस्कोपी के पहले एक दवाई देते हैं जिससे पेट साफ हो जाता है, फिर बेहोश करते हैं और फिर दूरबीन से हम अंदर सब देखते हैं। अंदर देखने पे हम देखते हैं कि छाले हैं या कोई गांठ है, और फिर हम उसका छोटा सा टुकड़ा लेते हैं यानी कि बायोप्सी, और उसे माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। ये कोलोन कैंसर अगर या कोई गांठ हमें दिखती है कोलोनोस्कोपी में, उसके बाद हम सीटी स्कैन करते हैं ये देखने के लिए कि वो आजू बाजू में कहीं पे फैला हुआ है, किडनी को चिपका हुआ है या कोई छोटी आंत जाके वहाँ कैंसर को चिपक गई है, उसके लिए हम सीटी स्कैन करते हैं। जो सबसे बड़ी आंत का निचला हिस्सा होता है रेक्टम, उसके लिए हम एमआरआई करते हैं। एमआरआई में रेक्टल कैंसर का फीचर्स और अच्छे से दिखाई देता है। हम पेट स्कैन भी कर सकते हैं, जो पूरे शरीर का स्कैन होता है, उसमें हमें पता चलता है कि पेट में फैला है या छाती में फैला है। ये जांच करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि इसका कौन सा स्टेज है, कौन से हिस्से का ये कोलोन कैंसर है, लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, और फिर हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। ट्रीटमेंट यानी कि हम पहले देखते हैं ये स्टेज 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। स्टेज 1 यानी कि अर्ली स्टेज, स्टेज 2 और 3 यानी कि लोकली एडवांस स्टेज। इन स्टेज में हम पहले सर्जरी करते हैं और फिर सर्जरी के हिसाब से, सर्जरी के रिपोर्ट में क्या आता है, ये कहाँ तक फैला हुआ है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कीमोथेरेपी की ज़रूरत है या नहीं है। सर्जरी में हम क्या करते हैं, सर्जरी में हम कोलोन का जो कैंसर रहता है उसके आगे और पीछे का 10 सेंटीमीटर का नॉर्मल बड़ी आंत हम निकालते हैं, और उसके साथ साथ छोटी छोटी गांठें होती हैं जिसे हम लिम्फ नोड्स कहते हैं, उसे भी हम निकालते हैं। यदि ये राइट साइड कोलोन है तो हम रेडिकल राइट हेमिकोलेक्टमी करते हैं, जिसमें हम सीकम, असेंडिंग कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन निकालते हैं, छोटी आंत को लेफ्ट साइड कोलोन को के साथ जोड़ देते हैं। अगर लेफ्ट साइड कोलोन में कैंसर है तो हम स्पिनिक फ्लेक्चर, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मॉइड कोलोन को निकालते हैं। राइट साइड की बड़ी आंत को हम रेक्टम यानी कि जो निचला हिस्सा है उसके साथ जोड़ देते हैं। रेक्टम कैंसर अगर हमें पाया जाता है तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट है। उसमें हम पहले कीमोथेरेपी, रेडिएशन देते हैं और फिर हम सर्जरी करते हैं। कोलोन कैंसर में रेडिएशन का कोई रोल नहीं है। यदि हमें स्टेज 4 में कोलोन कैंसर पाया जाता है तो हमें पहले देखना है कि ये कोलोन कैंसर पेट में फैला है, लिवर में फैला है, छाती में फैला है, और कितने कितने छोटे छोटे गांठ हैं। अगर बहुत कम गांठ है या एक या दो ही जगह पे फैला है तो हम इसे पहले कीमोथेरेपी दे सकते हैं। कीमोथेरेपी 2 या 3 साइकिल के बाद हम वापस जांच करके देखते हैं कि उसमें कुछ असर हुआ है या नहीं, और फिर हम सर्जरी करते हैं। इसे हम बोलते हैं कन्वर्जन थेरेपी। अगर ये मल्टीपल जगहों पे फैला हुआ है तो हम इसे कीमोथेरेपी से ट्रीटमेंट करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि किन पेशेंट्स में कोलोन कैंसर रोका जा सकता है, यानी कि प्रिवेंशन कर सकते हैं, और उसका स्क्रीनिंग कैसे किया जाता है और कब किया जाता है। प्रिवेंशन यानी कि हमें ये रोकना है कि जो रिस्क फैक्टर्स थे उन्हें कम करना है, यानी कि अल्कोहल कम करना है, स्मोकिंग बंद करना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा खाना है जिससे कॉन्स्टिपेशन ना हो, नॉनवेज रेड मीट कंजम्पशन कम करना है। हम ये कर सकते हैं कि 45 एज के से हर पेशेंट्स में हम कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं, यानी कि दूरबीन से जांच करना है। अगर कोलोनोस्कोपी नॉर्मल आती है तो हम हर 10 साल के बाद उसे रिपीट कर सकते हैं। इसे कहते हैं स्क्रीनिंग ऑफ द कोलोन कैंसर इन नॉर्मल एज पीपल। अगर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है तो उन पेशेंट्स में हम कोलोनोस्कोपी 8 साल उनको डायग्नोज होने के बाद से हम शुरू कर सकते हैं। ये भी हम अगर नॉर्मल पाया जाता है तो हर 10 साल में किया जाता है। फिर फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस जो सिंड्रोम है, उन पेशेंट्स में हम कोलोनिक कैंसर की स्क्रीनिंग यंग एज में यानी कि 30 साल की उम्र से हम शुरू कर सकते हैं। यानी कि दूरबीन का जांच करना है 30 साल की उम्र से, अगर नॉर्मल है तो हर 10 साल हम करते हैं। लिंच सिंड्रोम मतलब यानी कि जिनको कोलोन कैंसर फैमिली में पहले हो चुका है किसी को और को, या गर्भाशय का कैंसर हुआ हो, उन
पेशेंट्स के फैमिली मेंबर्स को कोलोनोस्कोपी 40 साल की उम्र से हर 10 साल करना चाहिए। ओके, थैंक यू।